नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आइए रूबरू होते हैं उत्तराखंड की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। नंदा देवी और गौरा देवी कन्या धन योजना के लिए आवेदन करने की तिथि 31 जुलाई तक होने के कारण सैकड़ों अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र प्रमाण पत्र न होने के कारण जमा नहीं हो पा रहे, जिससे अभिभावक भी खासे परेशान हो रहे हैं। तहसील कार्यालय में प्रमाण पत्र बनाने वालों की भीड़ लगी हुई है। क्षेत्र के लोगों ने SDM के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर आवेदन करने की तिथि 15 दिन और बढ़ाने की मांग की, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि तहसील में नेट नहीं होने से प्रमाण पत्र बनाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तिथि बढ़ने से सभी के आवेदन पत्र जमा हो जाएंगे। और इधर SDM ने कहा कि नेट ना होने के कारण प्रमाण पत्र बनने में देरी हो रही है, 2 दिन के भीतर सभी के प्रमाण पत्र जारी कर दिए जाएंगे। इकतीस तारीख को लास्ट डेट दे रखी है, अब जिससे मतलब जो है यहाँ कभी लाइट नहीं है और कभी नेट नहीं है, तो जिससे मतलब जो है सारे अभिभावकों को बहुत ही परेशानी हो रही है कि इसकी डेट कम से कम 15 दिन तो बढ़ाई जानी चाहिए और जिससे हमें मतलब जो है सुविधा हो। अभी इतनी जल्दी तो कुछ हो नहीं सकता है, कभी लाइट नहीं कभी नेट नहीं, बड़ी समस्या हो रही है हमारे सामने, तो जिससे मतलब जो है 15 दिन कम से कम बढ़ाई जाए। आप लोगों ने ज्ञापन मुझे मिला है और बहुत सारे लोग इसमें जो है जिन लोगों ने आवेदन नहीं कर पाए हैं, तो इसमें तिथि बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा है। जहाँ तक प्रमाण पत्र की बात है, क्योंकि यहाँ पर नेट की समस्या है तो थोड़ा 2-4 दिन लेट हो जाता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी हम उनको दे दें। तो ये हल्द्वानी में श्रम विभाग और महिला उत्थान कल्याण संस्थान द्वारा आयोजित समारोह में श्रम और वन पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। वहीं इस कार्यक्रम में श्रम मंत्री के द्वारा 500 साइकिल, 500 सिलाई मशीनें, 500 कंबल और भी बहुत कुछ सामान श्रमिकों को बांटे गए। तो वहीं कार्यक्रम के दौरान श्रम मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश सरकार आर्थिक रूप से गरीबों और श्रमिकों को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है, ताकि उन्हें रोजी रोटी के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिल सके। सभी सदस्यों का लालढांग, चिल्लरखाल, खोरदार, कालागढ़, रामनगर मार्ग को लेकर उनसे निवेदन किया, उनसे डिस्कस किया, उनसे निवेदन किया कि उनके आशीर्वाद के बिना ये मार्ग नहीं बन सकता है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और भारत सरकार मिलकर ही इस मार्ग को और प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से बना सकती है। प्रधानमंत्री जी ने मुझे आश्वासन किया है कि उनका कि वो इसमें आशीर्वाद देंगे। दूसरा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो लालढांग चिल्लरखाल सड़क जो पहला पायदान था कंडी मार्ग का, उसमें भी अप्रत्यक्ष रूप से हमको सफलता मिली है, क्योंकि हमें डर था कि सुप्रीम कोर्ट कोई प्रदेश की जनता के अनुकूल अगर फैसला नहीं करते हैं तो एक दिक्कत आ सकती थी। तो वही कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने दिनेशपुर नगर पंचायत द्वारा 6 लाख रुपए की लागत से बने शौचालय का लोकार्पण किया। आपको बता दें कि इसके साथ ही शौचालय निर्माण के लिए नगर पंचायत क्षेत्र के 863 लाभार्थियों को 12,000 रूपये का स्वीकृति पत्र दिया गया। कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के अलावा पूर्व सांसद बलराज पासी ने पूरे प्रदेश में किए जा रहे विकास कार्यों का भी व्याख्यान किया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो मोदी जी का सपना था कि किसी माँ बहन बेटी को खुले में शौचालय को ले जाने देंगे, उसी क्रिया के तहत, उसी कार्य के तहत मोदी जी ने सेंट्रल गवर्नमेंट से स्वच्छ भारत मिशन के तहत गरीबों को शौचालय के लिए पैसा दिया था। आज उन लोगों को हम जागरूक करने आए, मोटिवेट करने आए कि आपका पैसा आपके खाते में आ गया। और वो सौभाग्य की बात है कि दिनेशपुर नगर पंचायत की जो रक्षा है मेरी छोटी बहन, और वह ईमानदारी से गरीबों की सेवा कर रही है। लेकिन हम लोग ये नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा ये आयोजन इसलिए किया गया ताकि आम जनता हम लोग बीच में एक ईमानदारी का सामंजस्य जो है बना, वो हमेशा बना रहे, किसी नेगेटिव सोच के व्यक्ति को मौका ना मिले, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट से दिया हुआ पैसा और हमारे बीजेपी के यहाँ अध्यक्ष है, इनके बीच में कोई तीसरा व्यक्ति ना आए जो कहीं कहीं गरीबों के साथ अन्याय कर सके। हम आपको बता दें कि उत्तराखंड के दिनेशपुर में 6 लाख रुपए की लागत से शौचालय का निर्माण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को कैबिनेट मंत्री ने विकास कार्य के रूप में साकार करने की कोशिश की है, और उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह सपना था कि कोई भी माँ और बहन खुले में शौच ना जाए, इसीलिए शौचालय निर्माण को लेकर इतना बड़ा एक आंदोलन किया गया, और उसी तर्ज पर आज दिनेशपुर में भी 6 लाख की लागत से शौचालय निर्माण किया गया है।
प्रदेश के विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेज से 4 साल का बीएड करने का सपना देख रहे छात्रों को राज्य सरकार की तरफ से बड़ा झटका लगा है। राज्य सरकार ने नैनीताल हाईकोर्ट में शपथ पत्र पेश कर कहा कि इस साल उत्तराखंड में 4 साल के बीएड कोर्स को शुरू नहीं कर पाएंगे, जिससे 12वीं के बाद बीएड करने का सपना देख रहे छात्रों को गहरा झटका लगा। हमने एक याचिका दायर की थी श्री साई शिक्षण संस्थान जसपुर की ओर से, वो डिग्री कॉलेज प्राइवेट डिग्री कॉलेज है और उन्होंने जो था स्टेट गवर्नमेंट में एनओसी के लिए अप्लाई किया था, क्योंकि एनसीटी के नोटिफिकेशन के मुताबिक 31 जुलाई तक ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी थी और उसके साथ में स्टेट गवर्नमेंट की एनओसी दाखिल करनी थी। स्टेट गवर्नमेंट ने सिर्फ 15 जुलाई को ये कहा कि हम एनओसी देंगे, तब हमने एप्लीकेशन दी। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय में जब ये मुकदमा आया तब शासन से जो था इसमें जवाब मांगा गया, तो शासन से जवाब आने के बाद में शासन ने अपना पक्ष रखते हुए ये कहा है कि हम जो है किसी भी संस्थान को एनओसी नहीं दे रहे हैं और ना ही हम ये 4 वर्षीय जो है बीएड कोर्स इस स्टेट में। तो वही फल की बिक्री करने गए व्यक्ति के घर देर रात चोरों ने अचानक धावा बोल दिया। बंद मकान का ताला तोड़कर लाखों के जेवर और हजारों की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित ने अपनी दोनों बेटियों की शादी के लिए यह सब जोड़ कर रखा था। तो वही घटना के बाद पूरा परिवार सदमे में है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। हम आपको बता दें कि खबर उत्तराखंड के रुड़की से है, जहां पर एक फल विक्रेता का घर देर रात चोरों ने धावा बोल दिया और कुछ जेवरात और हजारों रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर लिया। जेवरातों की कीमत करीब 1,00,000 रुपए के आसपास बताई जा रही है। हम आपको बता दें कि फल विक्रेता ने अपनी दोनों बेटियों की शादी के लिए ये सामान जुटाया था। नंदा देवी और गौरा देवी कन्याधन योजना के लिए आवेदन करने की तिथि 31 जुलाई तक होने के कारण सैकड़ों अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण जमा नहीं हो पाए, जिससे अभिभावक भी खासे परेशान हो रहे हैं। तहसील कार्यालय में प्रमाण पत्र बनाने वालों की भीड़ लगी हुई है। क्षेत्र के लोगों ने एसडीएम के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर आवेदन करने की तिथि 15 दिन और बढ़ाने की मांग की है और कहा कि तहसील में नेट न होने से प्रमाण पत्र बनाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। बड़ी खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज करेंगे कई गणमान्य लोगों से मुलाकात। एफएसएसएआई भारत सरकार चेयरमैन रीता तेवतिया से सचिवालय में होगी मुलाकात। तो वही उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग उपाध्यक्ष सुषमा सिंह से भी होगी मुलाकात। कई शासकीय कार्यों पर करेंगे चर्चा। आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज देहरादून में प्रवास पर है। इसी सिलसिले में वो कई शासन के लोगों से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि कई शासकीय कार्यों पर भी बातचीत का सिलसिला आज जारी रहेगा। तो वहीं मुख्यमंत्री आज एफएसएसआई भारत सरकार चेयरमैन रीता तेवतिया से सचिवालय मुलाकात करेंगे। तो वहीं उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग उपाध्यक्ष सुषमा संघ से भी उनके मुलाकात की चर्चा है। बड़ी खबर राजधानी देहरादून से, आज
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज राजधानी में प्रवास पर है, तो वहीं इसी सिलसिले में वो FSSAI भारत सरकार चेयरमैन रीता तेवतिया से सचिवालय में मुलाकात करेंगे। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता महावीर नेगी फोन लाइन पे। जी महावीर, आज मुख्यमंत्री आज शहर में और कई महत्वपूर्ण बातों पर वो चर्चा करेंगे अलग अलग शासकीय अधिकारियों के साथ, तो क्या कुछ और अपडेट है, किस मामले में वो, जैसे यहाँ पे बात है FSSAI भारत सरकार चेयरमैन रीता तेवतिया से भी मुलाकात की जाएगी, क्या कुछ मुख्य बातें रहेंगी इनकी मुलाकात की? देखिए, जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने विकास के कार्यों में लगे हुए हैं, तो उसी कड़ी में यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आज राजधानी देहरादून में जहाँ शासकीय कार्यों को वो निपटाएंगे और अधिकारियों के साथ मंथन करेंगे, तो वहीं जो FSSAI की चेयरमैन है जो भारत सरकार से संबंधित है वो रीता तेवतिया, वो यहाँ पहुंचेंगी और सचिवालय में उनसे मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे। और अगर हम मुलाकात के पीछे के कारणों की या उद्देश्य की बात करें, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से फूड सिक्योरिटी को लेकर लगातार केंद्र सरकार अपने जो योजनाएं हैं उसको लागू करने में लगी हुई है, और वो केंद्र की जो FSSAI के जो योजनाएं हैं वो राज्यों तक किस तरह से पहुंचे और किस तरह से इम्प्लीमेंट उसका हो और किस तरह से उसके इम्प्लीमेंटेशन में जो आ रही बाधाएं हैं उनको कैसे दूर किया जाए, इन सभी मुद्दों को लेकर यहाँ चर्चा की जाएगी। और जिस तरह से हमने देखा कि राज्य सरकार ने जो राशन कार्ड धारक हैं 23 लाख के आसपास, उनको 2 किलो दाल पर राशन पर देने राशन कार्ड पर देने की भी घोषणा की, मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना चलाने की बात कही और उसके बाद 15 रुपए की सब्सिडी पर किलो पर देने की बात की है, तो उसी संबंध में वो सारी चर्चाएं यहां पर होनी है। और इसके अलावा अगर हम आज के कार्यक्रम की बात करें तो मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश की राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं सुषमा सिंह, उनसे भी वार्ता करेंगे। और जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि महिलाओं को लेकर केंद्र सरकार में, चाहे वो 3 तलाक का बिल हो या फिर दूसरे मुद्दे हों, तो महिलाओं को लेकर काफी कुछ किया जा रहा है, तो उन्हीं सभी बातों को लेकर यहां पर चर्चा की जाएगी। और देर शाम मुख्यमंत्री आवास पर सुषमा सिंह पहुंचेंगी और उनके साथ मुख्यमंत्री वार्तालाप करेंगे और किस तरह से उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं के से रिलेटेड जो मामले हैं उसको लेकर किस तरह से कार्य किया जा सकता है और किस तरह से उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से सीख ले सकता है, इन सभी मसलों को लेकर वो लंबी चर्चा होने वाली है। जी जी महावीर, यहाँ पे बात है कि कई और शासकीय कार्यों के साथ भी वो चर्चा करेंगे अधिकारियों के साथ में, तो क्या कुछ मुख्य बंधु रहेंगे जो अदर जो शासकीय कार्य है उनके? बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरह से, क्योंकि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सचिवालय में जो शासकीय कार्य हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री की योजनाएं हों या फिर दूसरी जो योजनाएं हैं उनकी किस तरह की गति है और वो किस स्तर पर अभी पहुंची हैं, उन सभी को लेकर जो अधिकारी हैं संबंधित विभागों के अधिकारी हैं उनके साथ चर्चा करेंगे और उसमें किस तरह की अभी तक स्थिति है उन योजनाओं की, तो वो सारी चीजें जानकारी अधिकारियों से लेंगे। और तकरीबन 11 बजे से लेकर 2 बजे तक ये यहाँ सचिवालय में इस शासकीय कार्य में जो बिजी रहेंगे मुख्यमंत्री, और इसमें तमाम तरह की योजनाएं हैं, तमाम तरह के शासकीय कार्य हैं, उन सभी की समीक्षा एक तरह से मुख्यमंत्री आज 2 बजे तक करेंगे। और 2 बजे के बाद जो मुख्यमंत्री सचिवालय से मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचेंगे, जहां पर कि उत्तर प्रदेश की राज्य महिला आयोग की जो उपाध्यक्ष हैं उनके साथ उनकी चर्चा होनी है। जी जी बिल्कुल महावीर, इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर पर जो कि आ रही है राजधानी देहरादून से। बड़ी खबर देहरादून से, जहां मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, अगले 24 घंटों के दौरान हो सकती है तेज बारिश, प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में जताई भारी बारिश की संभावना। आपको बता दें कि सभी जिला प्रशासन को अलर्ट जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर आ रही है राजधानी देहरादून से, जहां मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, अगले 24 घंटों के दौरान तेज बारिश की संभावना। तो वही विशेषकर प्रदेश के 5 जिलों में भारी बारिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है, प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में रुक रुक कर हल्की मध्यम बारिश की भी जताई संभावना। आपको बता दें कि देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली और हरिद्वार जनपदों में जारी किया गया है भारी बारिश का अलर्ट, जिला प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर आने के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर राजधानी देहरादून से, जहां मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, अगले 24 घंटे के दौरान तेज बारिश की संभावना।
प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में जताई भारी बारिश की संभावना, तो वहीं सभी जिला प्रशासन को जारी किया गया अलर्ट अगले 24 घंटों के दौरान। प्रदेश के 5 जिलों में देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली और हरिद्वार जनपदों में भारी बारिश की संभावना। बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से, जहां मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की संभावना का अलर्ट एक जारी किया है। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में जताई बारिश की संभावना, तो वहीं जिला प्रशासन को भी जारी किया गया अलर्ट। आपको बता दें कि प्रदेश के 5 जिलों में देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली और हरिद्वार जनपदों में जारी किया गया है बारिश का अलर्ट, भारी बारिश का अलर्ट। साथ ही प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में भी जताई भारी बारिश की संभावना, जिला प्रशासन को जारी किया गया अलर्ट। आपको बता दें खबर देहरादून से, मौसम विभाग ने जारी किया हाई अलर्ट, अगले 24 घंटों के दौरान हो सकती है तेज बारिश। आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है राजधानी देहरादून से, जहां पर मौसम विभाग ने जारी किया गया है भारी बारिश का अलर्ट। अगले 24 घंटों के दौरान तेज बारिश की संभावना। प्रदेश के 5 जिलों में देहरादून, पौड़ी, टिहरी और पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली और हरिद्वार जनपदों में जारी किया गया है भारी बारिश का अलर्ट। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में रुक रुक कर हल्की मध्यम बारिश की जताई संभावना। जिला प्रशासन को भी जारी किया अलर्ट। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता महावीर नेगी फोन लाइन पे। जी महावीर, मौसम विभाग ने फिर से एक बार अलर्ट जारी किया गया है, अगले 24 घंटे भारी पड़ने वाले हैं, विशेषकर 5 जिलों में, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली और हरिद्वार में। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय टूरिस्ट का सीजन चल रहा है, कई यात्री वहां पर मौजूद हैं और विशेषकर इन 5 जिलों में। तो क्या कुछ इंतजाम प्रशासन के द्वारा किए गए हैं? जी महावीर, लगता है किसी तकनीकी खामी की वजह से हमारे संवाददाता से संपर्क टूट गया। हम आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान तेज बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो बढ़ते खबरों की ओर, जहां रानीखेत में शारदोत्सव कराए जाने को लेकर एसडीएम ने रुचि दिखाई है। विधायक करण महारा की मौजूदगी में बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें जनप्रतिनिधियों और आयोजकों के साथ बैठक की गई। तो वहीं इस बैठक में लोगों ने शारदोत्सव के लिए अपने सुझाव भी दिए, जिसके बाद इस बैठक में निर्णय लिया गया कि आयोजन सेना के नरसिंह मैदान में किया जाएगा, जो 27 सितंबर से शुरू होकर 6 अक्टूबर तक चलेगा। तो वहीं काशीपुर में 19 गांव के लोगों ने काशीपुर विधायक, हम आपको बता दें कि काशीपुर में 19 गांव के जो लोग हैं उन्होंने काशीपुर विधायक का घेराव किया। ग्रामीणों ने काशीपुर विधायक का घेराव करके
19 गांव को काशीपुर तहसील में शामिल करने की मांग की। साथ ही साथ उन्होंने एक ज्ञापन भी वहां पर सौंपा। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री नरेंद्र तिवारी जी के द्वारा काशीपुर तहसील में से जसपुर तहसील का गठन किया गया। गठन के समय जो क्षेत्र जसपुर में जोड़ा गया उसमें भरतपुर न्याय पंचायत के 19 गांव भी जसपुर में चले गए। तदुपरांत इस क्षेत्र के लोगों ने ये सोच करके कि भाई हमारी काशीपुर से दूरी तो 3 से 5 किलोमीटर है और जसपुर से दूरी 5 से 25 किलोमीटर है, तो हमें काशीपुर से हटा करके जसपुर में जोड़ा जाना हमारे लिए न्यायचित नहीं। इसलिए इन्होंने प्रयास करना शुरू किया कि हमें पुणे काशीपुर तहसील में ही जोड़ा जाए काशीपुर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों और उनसे जुड़ी अपडेट्स को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।